आज मैं आप लोगों के लिए गेहूं के आटे का मीठा चीला की रेसिपी लेके आई हूँ। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और झटपट से बन के तैयार हो जाता है, तो चलिए फिर से बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए आटे का मीठा चीला लेके आई हूँ। तो चलिए फिर इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम एक कटोरी गेहूँ का आटा ऐड करेंगे। आप देख सकते हो हमने इसमें गेहूँ का आटा ऐड कर दिया। साथ में ऐड कर देंगे आधा कटोरी पानी। तो चलिए फिर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। फिर से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। एक कटोरी से हल्का कम हमने इसमें पानी ऐड किया है। आप देख सकते हो एक कटोरी गेहूं का आटा है, तो मैंने इसमें आधा कटोरी से हल्का कम चीनी ऐड किया। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। झटपट से बन के तैयार हो जाती है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हो इस तरह का बैटर रहेगा। इधर मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के स्प्रेड कर देंगे। तवा को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे और गैस के फ्लेम को कर देंगे धीमा। ज़्यादा हाई फ्लेम पे बैटर को नहीं डालना है। पहले से तवा अच्छे से गर्म रखे। आप देख सकते हो बैटर हमने डाल दिया है इस पर। इसको इस तरह से हाथों से चारों तरफ से घुमाते हुए हम चीला बना के तैयार कर लेंगे आटे वाला। ये आटे का चीला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप देख सकते हो हल्का एक तरफ से हो चुका है। ऊपर से हमने हल्का सा फिर से घी स्प्रेड कर दिया है। घी स्प्रेड करके इसको हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। जब ये एक तरफ से हो जाएगा ना, तब हम इसको दूसरी तरफ से इस तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए पलट लेंगे। तो चलिए फिर इसको हम पलट लेते हैं। आप इस आटे का मीठा चीला को नाश्ते में बना सकते हो, बच्चे के टिफिन में दे सकते हो। ये अचार के साथ खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। देखिए मैंने इसे दूसरी तरफ से पलट लिया, कितना अच्छा प्यारा कलर आया है। दूसरी तरफ से भी इसको हम सेक लेंगे। आटे का मीठा चीला बनाने वक्त ध्यान रखना होता है कि तवा को पहले तो आप अच्छे से गर्म कर ले, उसके बाद गैस के फ्लेम को कम कर दे। बैटर डालने वक्त गैस का फ्लेम कम रहना चाहिए, उसके बाद आप चीला बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।